गुड आफ्टरनून मैम, अपन पहली बार मिल रहे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। देखो लास्ट ईयर लास्ट पीरियड में अपन ने क्या पढ़ा था, गुप्तकालीन प्रशासन है ना, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे और चंद्रगुप्त के बारे में, और मेन था उनका प्रशासन है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा है ना, कि गुप्त काल में समाज की क्या स्थिति थी, गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का आधार क्या था और सांस्कृतिक दशा कैसे थी। तो मैं ये सोचती हूँ कि तुम लोग इस बात को सब जानते होंगे कि गुप्त काल को भारत का, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, स्वर्ण युग कहा जाता है। सुने हो? जी मैम, सुने हो ना। हाँ, तो ये स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर सोना बहुत अधिक होता था, बल्कि स्वर्ण युग किसके कहा जाता था, क्योंकि इस काल में भारत की सांस्कृतिक उन्नति बहुत अधिक हुई है। साहित्य, साहित्य, कला और विद्या, साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो वास्तव में ये जो विशेषताएं है साहित्य, कला और विज्ञान की उन्नति, वो कब संभव होता है, जबकि साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। दो बातों के ऊपर ये निर्भर करता है, एक तो साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे और दूसरा जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है उस साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था। क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक कोई भी शासक कितना भी योग्य होगा, लेकिन वो अपने साम्राज्य के अंतर्गत ठीक के विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई भी आर्थिक सुविधा नहीं। तो इसलिए वास्तव में गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा इसी काल पर निर्भर करती है, और इसलिए गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखेंगे कि सामाजिक विशेषता क्या थी, आर्थिक विशेषता क्या थी और सांस्कृतिक विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुप्तकालीन आर्थिक दशा, गुप्तकालीन आर्थिक दशा। आर्थिक दशा या आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है, कृषि, कृषि है ना। और आपको मालूम ही है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, और इसलिए कृषि ही महत्वपूर्ण आय का स्रोत है, आय का स्रोत। तो कृषि के द्वारा साम्राज्य को आय प्राप्त होती थी, और इस काल में कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ है। अब इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती थी, मैंने आपको पिछले पीरियड में ही बताया था कि गुप्त काल में एक चीनी यात्री, चीनी यात्री, उसका क्या नाम था, चीनी यात्री का क्या नाम था, फायान है ना। ये चीनी यात्री फायान भारत आया था, और उसने अपने विवरण में भारत के विषय में लिखा। तो उसके आधार पर फायान ने जो लिखा है, जो कहा है, उसके आधार पर कि जो शहर था पूरा, वो पाटलिपुत्र नगर का भ्रमण किया था, और पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी थी, उसने राजधानी का भ्रमण किया और लिखा है कि देश साधन संपन्न, तो जो साधन संपन्न है, वो साधन संपन्नता किसके ऊपर निर्भर करती थी, कृषि के ऊपर, क्योंकि कृषि की जो दशा थी वो उन्नतशील थी,
राजा की ओर से कृषि की उन्नति के लिए पर्याप्त सुविधाएं, उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था और सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था, तालाबों की व्यवस्था, कुओं की व्यवस्था कराना, उत्तम खाद, उत्तम बीज की व्यवस्था कराना, जिनके परिणाम स्वरूप अपने आप ही कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेती कर सके और उपज को बढ़ा सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उस समय में जो उत्पादन होता था सामान्य तौर पर वही गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, फल, फूल, सब्जियां, है ना, इन सब चीजों का उत्पादन होता था। साथ ही साथ ये चीजें जो है वो भारत के विभिन्न राज्यों, छोटे छोटे राज्य जो थे भारत के, उन सभी जगह वो भेजी भी जाती थी और उनके द्वारा राज्य को आय प्राप्त होती थी। तो पहला हो गया कृषि, अब दूसरा है व्यापार। व्यापार है ना, कृषि के बाद दूसरा नंबर आता है व्यापार का, कि वास्तव में इस काल में व्यापार भी बहुत ही सुदृढ़ था, है ना। और इस व्यापार को क्या कहेंगे, दोनों मार्गों से स्थल और जल, व्यापार होता था। व्यापार के लिए नदियों का उपयोग किया जाता था, व्यापार के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को लाने ले जाने के लिए इन चीजों का उपयोग किया जाता था, स्थल मार्ग पर पशुओं के द्वारा, है ना, क्योंकि प्राचीन काल में आवागमन के बहुत द्रुतगामी साधन नहीं थे, तो इसलिए पशुओं के ऊपर माल लेकर के भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जो जल मार्ग है उसमें नदी और नदी में नावों के द्वारा मालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता था। तो इस प्रकार से व्यापार भी, क्योंकि हर जगह की भूमि एक समान उपजाऊ नहीं होती और हर जगह की भूमि में एक समान उत्पादन नहीं होता है, कहीं किसी प्रकार का उत्पादन होता है तो अन्य जगह को दूसरे प्रकार का, तो जहाँ जो वस्तुएं अधिक मात्रा में होती थी उनको दूसरे स्थान तक भेजने के लिए व्यापार के माध्यम से, जल और थल के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। उसके बाद में है पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन क्योंकि पशुओं का उपयोग एक तो व्यापार के लिए भी होता था और दूसरा जो है वो पशुओं का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए, है ना, जैसे लोग जो थे वहां के शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, अगर सामाजिक जीवन पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा कि दोनों प्रकार के लोग थे, लेकिन जैसा फायान ने लिखा है कि वास्तव में मांस का प्रयोग जो है वो केवल निम्न वर्ग, जाति व्यवस्था भी पढ़ेंगे उस काल में, तो जो निम्न वर्ग के लोग थे केवल वही जो है मांस मदिरा का उपयोग करते थे और बाकी जो है उच्च वर्ग में उसका प्रयोग नहीं होता था, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी वो लोग नहीं खाते थे जो भी, लेकिन मांसाहारी थे इसलिए भी पशुपालन, और दूसरा जो है पशुओं के विभिन्न प्रकार के, उनके सींग के द्वारा, उनके हड्डियों के द्वारा, उनके चमड़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करके उनको बेच करके भी धन प्राप्त किया जाता था। तो इसलिए पशुपालन भी आर्थिक दशा का एक मुख्य आधार था। उसके बाद है उद्योग, है ना, उसमें धातु उद्योग, धातु उद्योग, है ना, विभिन्न प्रकार के धातुओं, सोने, चांदी, तांबा, पीतल, है ना, इन सभी चीजों का जो है उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण, जैसे आभूषणों का निर्माण, रातनों का निर्माण, है ना, मोहर का निर्माण, सिक्का डालना, तो वो सभी विभिन्न प्रकार की धातुओं के द्वारा होता था। तो धातु उद्योग जो था बहुत ही अधिक उन्नत दशा में था और उसके माध्यम से भी राज्य को आय प्राप्त होते थे। फिर है वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र उद्योग में इसमें कृषि भी शामिल था, क्योंकि वस्त्र उद्योग के लिए कपास की खेती और खेती के बाद में सूत काटना और वस्त्र सूत काट करके कपड़े बुनना, तो
नियंत्रण कर भेड़ों के माध्यम से उनका तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धातु को वस्तु को तो ये प्रचलन में था और इनके द्वारा व्यापार होता था, इन चीजों का भी व्यापार किया जाता था जिससे राज्य को आय की प्राप्ति होती थी। उसके बाद हम देखेंगे कि व्यापार करने का तरीका क्या था, तो शिल्प और श्रेणिया, शिल्प अधिकारी वर्ग होते थे
गंभीर रोग थे, ये सभी लोग जो है वो दास बन जाते थे और इस प्रकार से उनके द्वारा जिन जो दास बनते थे दासों के अनुसार उनको चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत या जो वर्ण अवस्था में निम्न वर्ण होता है उसके अंतर्गत उनको रख करके और सेवा का जो कार्य है वो दास दासों से कराया जाता था। उसके बाद हम देखेंगे स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। स्त्रियों की स्थिति है ना, तो ऐसा माना गया है और जैसा उल्लेख मिलता है कि स्त्रियों के अधिकारों में कमी आई थी, है ना। मतलब उनको जैसे मौर्य काल में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अधिक संतोषजनक नहीं थी, है ना। लेकिन अगर हम वैदिक काल को देखेंगे तो वैदिक काल में स्त्रियों को समान रूप से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में यहाँ तक कि उनको सार्वजनिक कार्यों में भी पुरुषों के साथ भाग लेने का अधिकार था। लेकिन गुप्त काल में स्त्रियों के अधिकारों में कमी आई थी और ऐसा माना जाता था कन्या का जन्म जो है वो एक समस्या के रूप में माना जाता था। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि इस समय में पर्दा प्रथा नहीं थी लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा ये प्रचलित जो था ये इस समय गुप्त काल में विद्यमान था। तो इसलिए जो स्त्रियां हैं वो बहुत अधिक आगे अधिकारों की कमी के कारण इस काल के स्त्रियां बहुत आगे नहीं बढ़ सकती। उसके बाद में विवाह में था, सामाजिक स्थिति में विवाह लिखे गए। मैंने पहले ही बताया कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं
और उस वर्ल्ड इंडिपेंडेंस का कारण क्या है कि इस काल में साहित्य कला और विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति हुई है। तो दर्शन के क्षेत्र में भी अनेक ग्रंथों की रचना जो है वो इस काल में की गई है। उसके बाद में है धर्म, तो ब्राह्मण धर्म तो स्थापित था ही, है ना, और इसके अलावा जो है वो ब्राह्मण धर्म से भागवत धर्म जो है के अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है, विष्णु की आराधना की जाती है। तो विष्णु की आराधना जो है वो होती थी इस काल में और भागवत धर्म का प्रचलन था, धर्म में भागवत धर्म। उसके बाद हम आते हैं साहित्य में, वास्तुकला में मंदिर और भवन, मंदिरों और भवनों का निर्माण जो है वो इस काल में अत्यधिक हुआ है। इसमें आपको
परिणाम स्वरूप ही मुक्त काल को हमारे पास स्वर्ण योग कहा जाता है।
आपने सुना ही होगा वो है आदिगढ़ वराह मिहिर। नोट कर लो नाम को, आदिगढ़ वराह मिहिर ब्रह्मगुप्त। भारत में यात्रा
की विभिन्न उसके द्वारा जो बहुत ही पांडुलिपियां लिखी गई है और बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथ है भारत के उनके द्वारा हमको इसके यात्रा विवरण के बारे में पता चलता है। उसने भी क्या लिखा है, भारत की राजनीतिक दशा, जो आपको भारत की राजनीतिक दशा बताया गया, वो राजनीतिक दशा हेल्सा के द्वारा, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि गुप्तकालीन इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो है फायान का यात्रा विवरण। तो राजनीतिक दशा के बारे में फायान ने लिखा है। उसके बाद उसने पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है, नगर समृद्धशाली था, लोग जो व्यवस्था थी नगरों की बहुत ही अच्छी थी, साफ सुथरी थी, बड़े बड़े अट्टालिकाएं और भवने थे, बाग बगीचे सड़क छायादार वृक्ष मंदिर धर्मशाला मठ सभी कुछ पाटलिपुत्र नगर में विद्यमान था। और जो राजा का दरबार होता था बहुत ऐश्वर्यशाली दरबार होता था, सभी वर्ग के लोग वहां पर उपस्थित होते थे, केवल इसको छोड़ करके जो निम्न वर्ण के लोग थे, क्योंकि निम्न वर्ण के लोगों को नगर में प्रवेश का आदेश नहीं था, वो लोग जंगलों में रहते थे और जब कभी उनको शहर में आना पड़ता था तो उनको उसकी सूचना देनी पड़ती थी और उसके बाद वो नगर में प्रवेश करते थे। इस प्रकार से पाटलिपुत्र नगर का उसने वर्णन किया है। जैसे सामाजिक जीवन में मैंने बताया कि लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, लेकिन मांसाहार का प्रयोग केवल निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता था, ब्राह्मण वर्ग उच्च वर्ग के द्वारा उसका प्रयोग नहीं होता था। और उसने फायान ने यह भी लिखा है कि उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो मांस मदिरा के अतिरिक्त लहसुन प्याज का भी उपयोग जो है वो नहीं करते थे, पेय में भी किसी भी प्रकार के नशीले पेय का उपयोग भी वो लोग नहीं करते थे। उसके बाद उसने सामाजिक स्थिति जो पूरा बताया वो उसने सामाजिक स्थिति बताया है और धार्मिक स्थिति का वर्णन फायान ने अपने यात्रा विवरण में किया है। तो कभी प्रश्न आता है उसी के आधार पर आप उसको लिख सकते हो। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है पतन। जब हम ये कह रहे हैं कि इतना समृद्धशाली ये साम्राज्य था, शांतिपूर्ण साम्राज्य था, और हम उसको क्या कह रहे हैं कि वो भारत का स्वर्ण युग था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका पतन हुआ है। तो इसके पतन के क्या कारण थे? तो उत्थान और पतन जो होता है वो प्रकृति का शाश्वत नियम होता है। जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी होगा। क्या देखते हैं, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, शिशु बनता है, बालक बनता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बातें जो है ये प्रकृति का नियम है। हम बीज डालते हैं, अंकुरण होता है, पौधा निकलता है, धीरे धीरे पौधा बढ़ता है, फल फूल उसमें होते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पौधा भी मर जाता है, एक अवस्था के बाद वो पौधा भी मर जाता है। तो ये क्या है कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है और उसी नियम के तहत गुप्तकाल का भी उत्थान हुआ है और उसका भी पतन हुआ है। तो जैसा कि इतिहासकारों ने उसके पतन का कारण बताया है, उसके सबसे प्रमुख कारण है विदेशी आक्रमण, क्योंकि इस समय पूर्ण जाति का आक्रमण बार बार हो रहा था और गुप्तकालीन शासकों पर अंतिम जो शासक था स्कंदगुप्त, गुप्तकाल का जो अंतिम शासक था स्कंदगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त जो बहुत अधिक योग्य नहीं था और उसकी अयोग्यता के कारण वो गुप्त जो गुणों का आक्रमण था उस आक्रमण का वो सामना नहीं कर सका और उसके परिणाम स्वरूप उसका पतन, गुप्तकाल का पतन हुआ। उसके बाद राजनीतिक एकता थी, राजनीतिक शांति थी, लेकिन धीरे धीरे अयोग्य शासकों के कारण, क्योंकि शासन व्यवस्था क्या थी, वंशानुक्रम, और वंशानुक्रम शासन के कारण राजा का ज्येष्ठ पुत्र जो है उत्तराधिकारी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राजा का पुत्र भी राजा के समान ही योग्य और कुशल हो। तो उत्तराधिकारी अयोग्य भी हो सकते थे और उसी की वजह से वंशानुक्रम शासन के कारण गुप्त काल का भी पतन हुआ है।
उसके बाद ये किसके ऊपर आधारित था? सामंती व्यवस्था के ऊपर। क्रांति जो बनाए गए थे, नगरों की व्यवस्था की गई थी, केंद्रीय शासन का विकेंद्रीकरण किया गया था। तो प्रांतों में जो सामंत थे, उन सामंतों पर जहाँ केंद्र की शक्ति निर्बल हुई, जहाँ अयोग्य उत्तराधिकारी आए, वहां पर सामंतों का विद्रोह प्रारंभ हो जाता था। तो सामंतों के विद्रोह के कारण भी गुप्त काल की केंद्रीय सत्ता जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी और अंततः उसका पतन हुआ है। उसके बाद ये सैनिक कमजोरी, सैनिक दुर्बलता, क्योंकि जब शासक अगर योग्य होगा तो उसका सैनिक संगठन भी संगठित होगा, योग्य होगा। लेकिन जब शासक ही अयोग्य होगा तो वो उतनी अच्छे से सैन्य व्यवस्था को संगठित नहीं कर सकेगा, क्योंकि शासन व्यवस्था का आधार सैनिक हो गया और सैनिकों की दुर्बलता, और इस वजह से भी गुप्त काल का पतन हुआ है। तो ये सभी कारण थे अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी, गुप्त के अयोग्य और निर्बल अधिकारी, वंशानुगत शासन, राजनीतिक दुर्बलता, सैनिक दुर्बलता, सामंतों का विद्रोह, इन सभी कारणों से जो स्वर्ण युग था गुप्त काल, वो गुप्त काल का पतन। ठीक है, आगे समझ में, सबको आगे समझ में, नोट कर लिए हम सब? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है। यस मैम। थैंक यू।